वेल्ला घूमता रहेगा तो तेरी आइटम भी तुझे हटा देगी यानी बटा देगी। सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, रैंडम रिएक्शन में आपको फिर से स्वागत है। मैं आप सबके सामने गाने के रिएक्शन लेके गाने के वीडियो लेके, अगर आप थंबनेल देखिए तो बिल्कुल सही जगह है। हम यहाँ पर रियल हिप हॉप को सपोर्ट करते हैं। बट अभी जो हम यहाँ गाना, यहाँ पे यार इतनी एक्साइटमेंट होती है ना एमिवे गाना सुनने के लिए मेरे को, तो वही एमिवे भाई का गाना सुनने जा रहे हैं बिना किसी और जाने के गाने। तो वही भाई साहब, गाने का नाम है क्यों जाने दे। ठीक है, तो मैंने गाना नहीं सुना, गाना आए हुए टाइम हो गया, थोड़ा सा इन द सेंस कि कल आया था गाना। बाय द वे अभी भी ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चल रहा है, 40वें नंबर पे ट्रेंड कर रहा है गाना, ऐसी बात नहीं है। ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो के साथ आया है जो कि प्राउड बाय मेम मशीन है, जिसका मतलब म्यूजिक मेम मशीन। बिना किसी जाते कि हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो मैं नहीं पता कि मैं एमिवे पे बहुत अच्छे रिएक्ट करता हूँ, अगर नहीं पता तो जाकर चेकआउट मार लेना मार लेना चेकआउट। तुम लोग अगर नए हो, तुम लोगों को नहीं पता होगा, यहाँ पर मैं अंडररेटेड आर्टिस्ट को सपोर्ट करता हूँ, हिप हॉप के नए नए आर्टिस्ट को, तो सपोर्ट करना मत भूलना मेरे को। बिना किसी और ज्यादा देर के हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो पप्पी दे देना सब्सक्राइब वाले बटन को। हाँ, भीख मांगने जरूरी होती है हमारे को, और हम व्यूज खाने फिर से आ चुके हैं, तो शुरू करते हैं। प्रोडक्शन मैन, प्रोडक्शन मेन मशीन, फुल इलेक्ट्रिक गिटार वाइब, गिटार वाइब। मैं खुश हूँ अम्मी अब्बा को जगह पे लाया, जहाँ पे रहने के हम ख्वाब देखे, वक्त निकाला घर सजाया। सोना मतलब ये नहीं है कि आप अपनों को भूल जाओ, दुनिया के सामने खुल जाओ, दूसरों को बुरा। एक सेकंड। तो इस गाने के अंदर जो होने वाला है वो ये होने वाला है कि भाई अपने अंदर की बातें बताने वाले हैं, और अम्मी अब्बा के ऊपर जो इन्होंने कराया है जहाँ से जहाँ तक आए हैं, आई थिंक इस चीज़ के बारे में बात होगी। और किसी को भूलना नहीं है जो हमारे साथ था एंड तक का, मतलब जो स्टार्टिंग से साथ था एंड तक भी साथ रहेगा, उसको नहीं भूलना। तो शुरू करते हैं, और बड़ा प्रोडक्शन मैन, देख रहे हो कि प्रोडक्शन कितना सही लग रहा है यार, लिटरली बहुत डैम लग रही है वीडियो। तो शुरू करते हैं, सॉरी फॉर दिस, मैंने रोकी। तो पूरा गाना जी सुनेंगे बिना रोके, आई थिंक मुझे गाना अच्छा लगा कि अम्मी अब्बा को मतलब ये नहीं है कि आप अपनों को भूल जाओ, दुनिया के सामने खुल जाओ, दूसरों की करे बुराई, खुद की उलझने सुलझाओ, बताओ वटाओ, नहीं बता पाएंगे कटाओ टिकट और बचाओ, मेरे से खुद को मताओ। एक सेकंड, देखो ये फ्लो, मुझे ये मैं भी फ्लो कहता हूँ मैं इसको, जो ये वाला फ्लो जो अटक 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 के रहता है, देखो वर्ड्स देख लो, कट 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 आएंगे। कि आप अपनों को भूल जाओ, दुनिया के सामने खुल जाओ, दूसरों की करे बुराई, खुद की उलझने सुलझाओ, दूसरों की बुराई करे और अपनी उलझने सुलझाओ, जरूरी नहीं है आप दुनिया के सामने खुल जाओ। हटाओ हटाओ नहीं बता पाएंगे, हटाओ हटाओ नहीं बता पाएंगे, कटाओ टिकट बचाओ, मेरे से खुद को मताओ, मेरे से बिन्ने पकाओ, ते सारे फिर को किसी की बात बुरी लगी तो मुंहफट बन जाओ सबके सामने बोलो, क्योंकि उसे नहीं पता कि तुम कितना ज्यादा हसल कर रहे हो या फिर तुम कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है, तो अगर कोई कुछ बोले तो उसके सामने मुंह पर ही बोलो, मेरी तरह जो मैं बोलता हूँ वही बोल देता हूँ, किसी से डरता नहीं मैं। अगर किसी की बात बुरी लगी तो बोल सबके सामने, सच बोलो सच, यहाँ बोला नकली लोग आए पहचान ने दिया खुद को गलत रास्ते में, हिप हॉप को चुना रहा बस को खाता में नाश्ते में फासले में लोगों से, मैंने खुद को गिरने दिया ना गलत रास्ते पे। एक सेकंड, गिरने दिया खुद को गलत रास्ते में, गिरने दिया खुद को गलत रास्ते पे, ठीक है, रास्ते में हिप हॉप को चुना रहा बस को खाता में नाश्ते में फासले में लोगों से, इनके कार्टून जैसे हरकत ये दिखने चाहिए पोगो पे, क्यों दिखने मेरे अंधता जिसके लिए भड़ा बड़ा, ये कार्टून से दिखते हैं दिखने चाहिए पोगो पे, ठीक है ना, ये जो रैपर्स है। और भाई क्या बोल रहे हैं कि गलत रास्ते पे मैंने खुद को गिरने दिया और हिप हॉप को मैंने चुन लिया एंड नाश्ते में मैं खाता हूँ तुमने किक बटोस्की में देखा क्या कहते हैं जेड एक्स पे या फिर डिज्नी एक्स जी पे, तो तुम्हें नहीं पता कर ले टॉस, हर बार आएगा भाई का हेड्स आएगा क्योंकि भाई इस गेम के बॉस है। ठीक है
ठीक है चलो टॉस हर बार हेड क्योंकि भाई तेरा ओ सॉरी टॉस में हेड आएगा ठीक है लेकिन स्लीक एंड शाइनी हेयर भाई के स्लीक एंड शाइनी और लिप पे है हां लिप पे ग्लॉस बंदी स्लिप पे ना बॉस खुद को मेंटेन करे ऐसा डिग्निटी है पहला उसके बाद आता पैसा तू वेला घूमता रहेगा तो आइटम भी बता देगी सोचे किस्मत क्यों नहीं साथ देती मां बाप का रख ख्याल फिर दुनिया भी साथ देगी वेला घूमता रहेगा तो तेरी आइटम भी तुझे हटा देगी यानी बटा देगी ठीक है ना सोचे किस्मत क्यों नहीं साथ देती और फिर सोचेगा किस्मत क्यों साथ नहीं देती मां बाप का रख ख्याल फिर दुनिया भी साथ देगी अगर किसी की बात बुरी लगी तो बोल सबके सामने जाने दे सच बोलो सच यहाँ बोला नकली लोग आए पहचानने में जाने दे अगर किसी की बात बुरी लगी तो बोल सबके सामने जाने दे सच बोलो सच यहाँ बोला नकली लोग आए पहचानने में क्या नहीं पता लिख देता मैं गाने में बीट पीछे बातचीत मैं नहीं करता जाने दे ये सब नहीं सिखाया मेरे माने में गलतियाँ हो जाती है यहाँ लोगों से अनजाने में पर जाने दे फिर से ना दोहरा ना सोचता नहीं मौका टुकराना क्योंकि खुददारी तो बचपन से खून में फ्लो स्विच यार एमीवे भाई फ्लो स्विच पर जाने दे फिर से ना दोहरा ना सोचता नहीं मौका टुकरा क्या जो जाने गलतियां हो जाती है हां लोगों से अनजाने में पर जाने दे फिर से ना दोहरा ना सोचता नहीं मौका जाने दे फिर से ना दोहरा ना जाने दे फिर से ना दोहरा ना दोहरा ना सोचता नहीं मौका टुकरा ना क्योंकि सोचता नहीं मौका दोहरा ना ठीक है दोहरा ना तो बचपन से खून में बचपन में स्कूल का सबसे शांत बच्चा था सबसे शांत बच्चा आज दुनिया को नचा था मनचा था 100% दिया सबको बता दिया सबको बता दिया कि पहाड़ू में चढ़ना मुश्किल है मुझ पे हाँ जैसे एवरेस्ट का पहाड़ू में खड़े जगह गाड़ दूं मैं खड़े मुर्दे उखाड़ दूं मैं ओ भाई वीएफएक्स देखे हो तुमने सीधा खड़े जगह गाड़ दूं मैं खड़े मुर्दे उखाड़ दूं मैं मेरे को बुरा लगेगा तो ऐसे कैसे जान दूं मैं अगर किसी की बात बुरी लगी तो बोल सबके सामने जाने दे सच बोलो सच यहाँ बोला नकली लोग आए पहचानने में जाने दे अगर किसी की बात बुरी लगी तो बोल सबके सामने जाने दे सच बोलो सच यहाँ बोला नकली लोग आए पहचानने में डैम प्रोडक्शन डैम वोकल्स डैम लिरिक्स मैन ऊपर से मेरे भाई का म्यूजिक बहुत बहुत ज्यादा अच्छा था लिटरली डैम 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 टू मच डैम यार तो सबसे मेरे को सबसे बढ़िया लाइन मेरे को जो लगी सबसे स्टार्टिंग वाली लाइन जो अम्मी अब्बा वाली थी और जो हुक लाइन है हुक तो भाई कैची है हुक तो बहुत कैची है कि भाई जो तुम्हें बुरा लगे अगर तुम्हारे बारे में कोई कुछ बोलता है और तुम्हें बुरा लगे तो बोलो ना सबके सामने फैक्ट है सबके सामने बोलो क्या दिक्कत है ना और हाँ और ये वाली लाइन की सबसे जो स्कूल में मैं सबसे शांत बच्चा था पर आज वो पूरे मतलब सबको नचा रहा है इतना हल्ला मचा रहा है सबको नचा रहा है तो फ्लैक्सिंग नहीं है हसल करके भाई आया स्ट्रगल करके आया सो दैट्स व्हाई भाई वही बता रहे थे ठीक है तो ये एमीवे भाई के ऑफिशियल चैनल से आया एंड लोका भाई का भी सेम डे ही गाना आया है क्योंकि बंटा रिकॉर्ड्स तो यार बहुत मुश्किल हो जाती है कि किसका गाना करूँ पहले बाय द वे हमने दोनों का गाना छोड़ दिया इसीलिए लेकिन आप कर रहा है कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है किसी के लिए क्योंकि दिल से प्यार करते हैं किससे एमीवे भाई से और उसके बाद जो आता है वो है यंग वाले फैक्ट 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 ठीक है तो बाय द वे गाना अच्छा है गाना तुम्हें पता है कौन सी एल्बम में से है क्योंकि तुम ऑलरेडी सुन चुके हो मैंने नहीं सुना तुम सुन चुके हो क्योंकि तुम एमीवे भाई के फैन हो तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते अगर तुम्हें मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो वीडियो अच्छी लगी कुछ भी अच्छा लगा हो तो मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना @PrinceMax और ये मैं लास्ट लाइन जरूर बोलता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना कमेंट कर बताना क्या अच्छी लगी क्या अच्छी बेकार लगी कैसी कैसी लगी बाकी मिलते हैं अनदर वीडियो अब तक के लिए बस इतना ही मिलते हैं किसी अच्छे आर्टिस्ट के साथ अब तक के लिए बस इतना ही ठीक है डिग्निटी है पहला उसके बाद आता पैसा तू कैसा तेरी नीयत बता देगी वेला घूमता रहेगा तो आइटम भी बता देगी सोचे किस्मत क्यों नहीं साथ देती माँ बाप का रख ख्याल फिर दुनिया भी